अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरियाज फ्रॉम फोर्ट गैराज। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वी आर वेरी सॉरी, हमने इतना लेट कर दिया। असल में आपने लापरवाही का नतीजा है। हम जरा बिजी हो गए थे काम शाम में, और जरा इधर भी थोड़ा सा काम फंसे हुए थे, तो इंशाल्लाह आपसे थोड़ा रेगुलर होने की कोशिश करते हैं। बाकी आज से आपको हर प्रोजेक्ट का जो जो काम हो चुका है वो भी दिखाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स अप फॉर सेल हैं। कंग्रेट्स टू नुमान चौधरी, इन्होंने इंजन लिया है हमारे से, धमाका मशीन। अब ये बाहर पड़ा हुआ, आप ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे दिखाओ ना इसका पूरा एक। आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर से इंजन निकाल के दोबारा चेंज कर दिया गया है। ये भी मदनी की तरह ही कर दिए, तीन इंजन इस वर्कशॉप पे इस गाड़ी के चेंज हो चुके हैं माशाल्लाह। इसमें अब डाल दिया D15 फ्रेश काबली असेंबली फॉर यू, जिसको हमने EFI करके डाला है। ये कार्बोरेटर आया था लेकिन हमने इसको EFI कन्वर्ट करके डाला, और ये माशाल्लाह हाफ सब स्टार्ट। अब ये गाड़ी इसलिए हमने निकाल दी क्योंकि हम ये गाड़ी अप फॉर सेल है, क्योंकि धमाका मशीन इज स्टिल विद अस। वैसे इसमें भी पटाखे ऑन है, नेपट्यून ऑन है इसका भी, लेकिन अब इसको ज़रा फ्रेश फ्रूश करके ये गाड़ी अप फॉर सेल है। क्योंकि चला सिर्फ फेंडर्स का मसला है, और इसको भी साथ साथ फिर हम कवर करते हैं। बट अगर किसी को ये चाहिए, आप इंस्टा पे हमें मैसेज करें, डिमांड शिमांड बताते हैं आपको। अगर इतना ही चाहिए इतना ही ले लें, छोटे मोटे काम जो फेंडर शेंडर के हैं वो हम आरसी करवा लेंगे। अब आ जाएं, आपको एक गाड़ी चेक कराते हैं। उसकी रात से डिटेलिंग शुरू हुई थी और अब उसकी फाइनल कोटिंग होकर की खड़ी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह इसकी लुक चेक करें फाइनल। दिस इज टोयोटा बॉक्सी, बॉक्सी की बड़ी बहन, बहुत ही बड़ी है माशाल्लाह। आप इसकी शाइन चेक करें, डिटेल्ड बाय वन एंड ओनली एक्सप्रेस लुक। इनसाइड्स लो का मैसेज बेसिकली होगा। टेक ओवर ही यार, गाड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, उसका पेंट कलर बहुत छोटा है। 7 सीटर फुल बड़ी गाड़ी फुल लुक। बैक से निकाल जाए, टोयोटा बॉक्सी, जैसे इजी से नाम है यार, कभी सुने नहीं होते ना, सोच सकता कोई बॉक्सी। प्रोजेक्ट की तरफ आ जाएं तो आपको सबसे पहले 88 का प्रोजेक्ट दिखाते हैं। ये उसामा चौधरी का है, मेरा नहीं है। ये 88 करोला 1988, ये असल में बाहर से डेंटिंग पेंटिंग हो रही थी। अभी भी मेरे ख्याल से पेंट बाहर से ही होना है, बट वो डेंटर से थोड़ा मुतमिन नहीं था। थोड़ा काम उसने काफ़ी हद तक अच्छा भी किया है, लेकिन जो माइनर एंड पे डिटेल्स रह जाती ना उसमें, वो थोड़ा सा खराब कर रहा है। बम्पर नहीं सही इतना सेट हो रहा, छत पे कुछ हल्के थी, और फेंडर की पिछली लाइनें नहीं सेट हो रही थी। आप ये दिखा सकते हैं, जेन्युइन लाइनें ऐसी नहीं होती। एक गुलाई मुझे लगता है थोड़ी बाहर अंदर है, वो थोड़ी बाहर है। पीछे से डिग्गी की लाइनें सेट थी, पिछला बम्पर नहीं सेट था। छोटे मोटे काम थे, वो इंशाल्लाह सेटिंग हो रहे हैं। और इसका भी कलर ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी वाला ही है, आपको दिखाते हैं। सेवन AFE डला हुआ इसमें, बाकी कंप्लीट जीरो से लेके दोबारा प्रोजेक्ट कर रहा है सामा चौधरी। गाड़ी को पता लगने वाला है आज, इसको हम पता लगा के इंशाल्लाह कंपाउंड सीमेंट करें। तो सीन ये हुआ था कि ये लोग गाड़ी ले गए थे मरी आफ्टर पेंट, तो उसको मैंने कहा था वैसे ही टाइम दो इसको। तो वापसी पे ज़रा थोड़ा सा गाड़ी टचिंग वचिंग हो गई थी, वो भी दोबारा क्लियर किया है। अब इंशाल्लाह लग तो रहा है कि मैच है, लेकिन जैसे भी है कर लेंगे इसको भी, हो तो गया दोबारा रीफ। आज इंशाल्लाह इसको पता लगा के पूरी कोशिश है, इसका सारा जाला जूला जितने भी माइनर इम्परफेक्शन आ जाते हैं पेंट में, क्योंकि मशीन तो है नहीं, हाँ नहीं है, मशीन भी वैसे गलती कर देती है। 76 करोला का जो प्रोजेक्ट था, ये भी इसका भी बेश है, ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, ख़त्म हो गया। जितनी पीस पीस लगने से एवरीथिंग इज डन। फर्श का भी हो गया, फर्श दिखाओ अंदर से, फायर वॉल फर्श वगैरह कम्प्लीट अंदर से सारा कुछ हो चुका है। सारा इसके नीचे से गाड़ी गुड्डी सेट होगी, जो इंजन गियर की हमने बनाई है, और इंशाल्लाह इसका भी अब फाइनल डेंटिंग पेंटिंग करके इसको जेट ब्लैक करना अंदर। करोला 2015 GLI है, ये फेसलिफ्ट की गई है इसको 2017-18 की एजेक्ट डाली गई है, और इसको ये कर लो पहले,
2021 में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके फ्रंट बैक बम्पर्स चेंज हो रहे हैं और ये कंप्लीट गाड़ी, वैसे ये टोटल जेन्युइन गाड़ी है। नो शावर फॉर फ्रेश लुक, नो पेन। कस्टमर क्लाइंट जो है भाई, वो कहते हैं कि मुझे इसका सुपर वाइट करना है। क्यों? क्योंकि मेरे घर में सारी गाड़ियाँ सुपर वाइट हैं, तो इसको भी सुपर वाइट में करना है। मैंने कहा यार इसको बेच के दूसरी ले लो, तो कहते हैं नहीं यार करना है तो इसको करना है, क्योंकि ये बस इस गाड़ी से कोई है जैसे हम सारों को अपनी अपनी गाड़ी से होता है। तो ये अंदर बाहर से इसको खोल के इसके दरवाजे वगैरह सारे इनसाइड आउट करा सकते हैं हम, सुपर वाइट किया जाएगा। और इन सून एज पॉसिबल इसका काम शाम शुरू और हो चुका है, बस इंशाल्लाह 3-4 दिन में ये आपको सुपर वाइट नजर आएगी इंशाल्लाह। क्रिसीडा की तरफ आ जाए निशा की, तो ये थोड़ी ज़्यादा लेट हो गई हमारे से। क्यों? क्योंकि हमारी इसकी नीचे वाली किट नहीं फाइनल हो रही थी और थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई थी, तब हम इसको उसके साइड पैनल के इक्वल लेकर आए हैं। आगे से गाड़ी बहुत जो पहले आइडिया था उससे ज़्यादा प्यारी लग रही है, तो अभी थोड़ी सीधी पतरी होनी है। अभी फाइनल फिटिंग चल रही है इसकी, आज इंशाल्लाह इसको फाइनल फिट करके इसकी बेस वर्क दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसे खड़े खड़े ना पुरानी गाड़ी है, कुछ और भी हो सकता है बाद में। फिर आ जाएं अब आप मोरी गैंग, अब नो मोर मोरी गैंग। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस कमिंग सून। इसका इंजन वे दोबारा हम तैयार कर रहे हैं, प्रॉपर दोबारा टक शेप कर रहे हैं, शॉक इसमें वापस लगा दिए गए हैं, कैम्बर इसके सीधे कर दिए गए, इसके अंदर से मेंटल स्टांस निकाल दिया गया खींच के, और इंशाल्लाह इसका दोबारा से रीइंफोर्स करके दोबारा से ये जो चीज़ें भाईजान ने ख़राब की हुई थी दोबारा सेट करेंगे। मेरी सबसे फेवरेट इके थी माल्टे के बाद जो मैंने तैयार की थी, तो इंशाल्लाह इसको दोबारा से उसी हालत में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह, सुबह कोई यकीन ये नहीं बोलना सुबह कुछ चवल नहीं मारनी आपने, वो कट कर दी। सांस मेंटल सांस इसका हार्डकोर सांस हुआ गया, इसका फर्ज अभी भी टूटा, पता नहीं क्या सीन है। अभी तो गाड़ी नीचे कर दी आपको इंशाल्लाह, फिर किसी दिन इसको नीचे से भी दिखाएंगे। इसके बाद इस साइड पे आ जाए, इसका ब्रैकेट बन चुका है, दोनों साइड का अब इक्वल इसका बैठ चुके हैं इंजन। अब इसमें एच सिर्फ डाल के पिछला माउंट सेट करना और अगला माउंट मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सेट करेंगे हम ताकि डेली ड्रिवन चले गाड़ी। इसका आगे प्लान है 6 पर क्लच डालना है, इसका गियर थोड़ा सा शॉर्ट रेशियो करवा रहे हैं क्योंकि स्टॉक गियर हमारा वो T2W4 या T2W9 नहीं है, तो पता नहीं T2W9 होता है या नहीं, T2W4 तो होता है। बाकी गाड़ी का होदा माशाल्लाह बहुत फिट है और इसमें इंशाल्लाह गुड परफॉर्मेंस लेकर आएंगे, क्योंकि इसकी बुशिंग्स वगैरह भी सारी हमने चेंज करनी है। हम इसमें सारी एनर्जी बुशिंग डाल रहे हैं, टेफ्लॉन बुशिंग। क्यों? क्योंकि हमें गाड़ी हाई स्पीड पर स्टेबल चाहिए इंशाल्लाह, स्टेबल मिलेगी। सतीश कब हम गेयर निकाल रहे हैं, मम्मी चौधरी मोरी गैंग खुद मोरियां पूरी कर रहे हैं इसकी। आप क्या कर रहे हो वैसे? इंजन स्वाप करने में। ये कौन सा इंजन इधर चलता है भाई? ध्यान से वो इतनी महंगी HID ना तोड़ देना। इंजन पे इसका दोबारा होना है सारा। जैगवार साहब अभी इसका गेयर शेयर खोल रहे हैं, गाड़ी ऊंची कर दी है, शॉक वगैरह लगा चुके हैं और मेंटल लीके से अब ये शादी की होने वाली है इंशाल्लाह। तू रह गया ना खाली मेंटल, गाड़ी अब नो मोर मेंटल लीके, परफॉर्मेंस कार नाउ इंशाल्लाह सुन। यो भाई परफॉर्मेंस या मेंटल स्टांस? परफॉर्मेंस मेंटल स्टांस क्या खोली जा रहा है यार? ये उसका था ना वो उसके गार्ड उसका बम्पर सपोर्ट कहते हैं उसके, बम्पर सपोर्ट सॉरी या क्रैश गार्ड भी कह सकते हैं। मेरे ख्याल से इसको क्रैश गार्ड कहते हैं या बम्पर गार्ड कहते हैं या बम्पर सपोर्ट कहते हैं, कमेंट्स में बताएं क्या कहते हैं। लोया भी कहते हैं। अभी कबाड़िया है ना इसको पता नहीं। ये देख ये फेंडर्स वगैरह खोल ले और यहाँ कौन सी टी लगनी है? 10 की लगनी है टी, 1 2 3 10 की टी। माशाल्लाह यार पर्ल अभी भी उसके देख यार। थैंक यू यार, थैंक यू। नहीं थैंक मी, ये गाली लिखी भी आपने पढ़नी नहीं, इसके लिए लिखी है। गाड़ी की एक साइड इसने फेंडर शेंडर खोल दी,
ये दोनों मिलके पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहा है? फिर से करी वंस मोर वंस मोर। और कितने खोलने फेंडर? मेरा दिल कर रहा है सारी गाड़ी। पहले इतने खुले हुए हैं। हाँ फेंडर्स उतार लो ना नीचे से, अगर कोई मसला तो नहीं, कोई रीइन्फोर्स वगैरह करना हो तो पता चल जाएगा। भाईजान चलो इसके फेंडर खोलो। छोटे ओके भाई छोटे ओके बड़े। माशाल्लाह मेहनत हो रहा, मेहनत हो रही है। वो जैगवार है। ओ भाई जानो भाई ये पुमा थोड़ा मार आता फिर भी जाता। भाई आपकी फैशन सेंस कहां से आई है? शेड के ऊपर से चांद से। ये अब आपको बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखा दिए हैं जो काम शाम जिन गाड़ियों पे चल रहा है। ये नमी चौधरी की बीके का काफी काम हो गया। आज इसका गेयर भी चला गया था, कुछ कर रहे हैं उसके साथ जरा परफॉर्मेंस के लिए। तो लेट हो गए थे इस वजह से बस थोड़ा, क्योंकि सर्दियां था और ज़रा मामला ज़रा हम लोग एक दो बिजी थे। इंशाल्लाह आगे से अब कट्ठे स्पीड स्पीड में आपको ब्लॉग सुनाएंगे। बाकी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।